Good morning, dear students. Today we will do grammar exercise of lesson number 10, that is on page number 128. Page number 128. Let's use grammar describing words. Describing words. सेंटेंस हर सेंटेंस में आपको राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड को चूज करना है. तो नंबर वन, दिस नाइट कट्स वेल, इट इज ब्लड शार्प. अगर कोई भी नाइफ कट कर रहा है अच्छे से किसी भी चीज को, इट मींस वो क्या होगा, शार्प. शार्प मतलब तीखा, और ब्लंट मीन्स जिसका जो एज है वो तीखा ना हो उसको कहेंगे ब्लंट. तो यहाँ आपको टिक करना है शार्प. नंबर टू, आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स. आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, इट इज टू हैवी और लाइट. यहाँ आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हो रहे हैं और ऑपोजिट्स भी हो रहे हैं. ब्लंट का ऑपोजिट शार्प, शार्प का ऑपोजिट ब्लंट, हैवी का ऑपोजिट लाइट और लाइट का ऑपोजिट हैवी. तो यहाँ आई कांट लिफ्ट दिस बॉक्स, कोई बॉक्स है आप नहीं उठा पा रहे, लिफ्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स वो लाइट, तो लाइट होगा तो आप इजिली लिफ्ट कर पाएंगे, इट मीन्स क्या है वो हैवी. तो आपको हैवी पर टिक करना. फिर हम आएंगे, गुड फूड विल मेक यू Good food will make you strong or weak. Weak बनाएगा आपको good food या strong बनाएगा? हमको बनाएगा strong. फिर आता है number 4. We should be kind and cruel to animals. We should be kind, cruel to animals. क्या होना चाहिए हमको एनिमल्स के लिए? काइंड होना चाहिए, क्रूअल होना चाहिए? हमें होना चाहिए काइंड. काइंड मतलब दयालु, क्रूअल मीन्स जो क्रूर व्यवहार जो ऐसा व्यवहार जो एनिमल्स के लिए हम अच्छे से उनको ट्रीट ना करें, उन्हें भी गुड फीलिंग ना हो, वो क्रूर. फिर है हमारा, ट्राई टू कीप योर डेस्क. ट्राई टू कीप योर डेस्क टाइडी और अनटाइडी. तो क्या होगा, हमारी जो डेस्क है उसको कैसा रखना चाहिए हमको? टाइडी मीन्स क्लियर, क्लीन, नीट एंड क्लीन, और अनटाइडी गंदा सा, जैसे कि उसका कमरा था, है ना, जो रानी जब घूमसुम बैठी थी तो उसका कमरा कैसा था? गंदा था, मींस अनटाइडी. और टाइडी मींस साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सारा वेल अरेंज्ड. डॉग्स लाइक फ्रेंडली अनफ्रेंडली पीपल. डॉग्स को कैसे लोग पसंद होते हैं, हमें भी कैसे लोग पसंद होते हैं? डॉग्स लाइक फ्रेंडली अनफ्रेंडली, तो फ्रेंडली पीपल. यहां हो गया हमारा ये एक्सरसाइज. इसके बाद हम आते हैं माय पपी. यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द ब्लैंक्स इन दीज सेंटेंसेस एज शोन इन द ब्रैकेट. माय पपी हैज स्मॉल लेग्स एंड लॉन्ग टेल, या लॉन्ग टेल एंड स्मॉल लेग्स. हिज कोट इज बट हिज पाज आर हिज ईयर्स. यहाँ शेप माय पपी के ऊपर आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, उसमें उसकी साउंड कैसी है, उसका शेप कैसा है, ये हम बाद में करेंगे. पहले जो सिंपल सी एक्सरसाइज है हमारा, मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर यूजेस, मैच कर लेते हैं. एन अम्ब्रेला कीप्स ऑफ रेन व्हेन आउटसाइड. अम्ब्रेला का क्या काम है, हमें रेन जब होती है तो हमें रेन से बचाता है ये अम्ब्रेला का. अ वास क्या करते हैं, उसके अंदर
टू कीप फ्लावर्स इन। इसको मिटा देते हैं, इसका एक फोटो ले लेते हैं। चलिए पेज नंबर 132 पे है आपका ए वाली एक्सरसाइज वर्ड स्टोर। वर्ड स्टोर इसमें सिर्फ माई कॉपी पे मैं आपको लिखा दूंगी और बस क्या करते हैं उसके अंदर मैं सामने ही लिख रही हूँ टू कीप फ्लावर्स इन। फिर अ टॉर्च, टॉर्च में क्या होगा गिव्स लाइट इन द डार्क। टॉर्च क्या लगती है हमको गिव्स लाइट इन द डार्क। इन द डार्क फिर है अ ब्रूम, ब्रूम क्या करता है क्लीन्स अ प्लेस, क्लीन्स अ प्लेस किसी भी प्लेस को साफ करता है, ब्रूम इज झाड़ू। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स का क्या काम है पेयर ऑफ सीजर्स। पेयर ऑफ सीजर्स क्या करते हैं टू कट अ पेपर, टू कट पेपर ऑफ क्लॉथ, टू कट पेपर और क्लोथ। अ कॉम, कॉम का क्या काम है टू कीप योर हेयर टाइडी, टू कीप योर हेयर टाइडी। तो यहां हमने देखा कि जो अम्ब्रेला है एन अम्ब्रेला कीप्स ऑफ रेन व्हेन आउटसाइड, आउटसाइड जब होते हैं तो हम रेन को दूर रखते हैं हमसे। वास क्या करता है टू कीप फ्लावर्स इन, टॉर्च क्या करता है गिव्स लाइट इन द डार्क, रूम क्या करता है क्लीन्स अ प्लेस, पेयर ऑफ सीजर्स क्या करता है टू कट पेपर ऑन क्लोथ, अ कॉम टू कीप योर हेयर टाइडी, ये सारे काम करता है। चलिए अब आते हैं बी पे पेज नंबर 129। रीड ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सर्कल द वन विच इज डिफरेंट, से व्हाई इट इज डिफरेंट, आपको ये भी बताना है कि डिफरेंट क्यों है। थंब नेल फिंगर टो हैंड, इसमें से इसने लगा रखा है टो पे, थंब है नेल है ये हमारा है ना, फिंगर है हैंड है और टो क्या है हमारे जो पैर का अंगूठा है वो टो है, इसलिए उसको डिफरेंट बताया है। स्विंग स्लाइड शॉप बेंच सीसा, स्विंग स्लाइड बेंच सीसा ये सारे गार्डन में कहीं भी हमें पार्क में मिल जाएंगे, जबकि शॉप जो है वो एक अलग चीज है। ये सारे बेंच और ये सारे तो शॉप पे आपको करना है सर्कल। शर्ट साड़ी कोट पायजामा कबर्ड, ये सारे हमने पहनने वाली चीजें हैं और कबर्ड जो है इसमें हम लोग इन चीजों को अरेंज करते हैं। बोट कार बस साइकिल स्कूटर, कार बस साइकिल और स्कूटर लैंड ट्रांसपोर्ट है जबकि बोट क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट। लायन हॉर्स गॉट काउ डंकी, लायन वाइल्ड एनिमल है द रेस्ट ऑफ द अदर्स कौन से हैं पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। एप्पल पोटैटो बनाना ऑरेंज एंड ग्रैप, एप्पल बनाना ऑरेंज एंड ग्रैप हमारे सारे फ्रूट्स हैं और पोटैटो क्या है हमारा वेजिटेबल है। ठीक है तो यहाँ आपको मैंने बता दिया है ये आप कर लीजिएगा बुक के अंदर ही। फिर हमको एक स्कूल सेलिब्रेशन पे भी लिखना है, माई कॉपी पे भी मैं आपको लिखवाऊंगी, आगे कोई भी नहीं है। चलिए तो आज इतना वर्क करिए, कल ये जो लेट्स स्पीक के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करा के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हाँ है ना, व्हाई वाज द विलेज लाइक अ रिवर, ये जल्दी से हम सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके बच्चों तो आज ये इतना सा काम आपको बुक के अंदर ही करना है।